हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद शीतल। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम इस वीडियो में ढोलक और डमरू बनाना सीखेंगे। ये इतना आसान है कि बच्चे बड़े कोई भी बना सकते हैं, और ये देखने में इतना रियलिस्टिक, इतना सुंदर है कि आप जब इसको अपने ड्राॅइंग रूम में रखेंगे तो सब पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से ख़रीदा है। ये सिर्फ सिंपल पेपर कप से या थर्माकोल के कप से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें थर्माकोल के या पेपर कप्स, कोई भी कप्स हमें चाहिए। यहाँ पर 4 कप्स चाहिए, लेकिन अभी डमरू बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 कप्स की ज़रूरत है। इन दोनों कप्स को हम फेविकोल से चिपका लेंगे। इनका बेस हमें आपस में चिपकाना है, तो आप किसी भी गम के हेल्प से इसको चिपका सकते हैं। ये मैंने चिपका दिया है। अब मैं इसको एक बार फिर से सिक्योर करने के लिए मास्किंग टेप लगा दूँगी। इससे इसकी मजबूती बढ़ जाएगी और हमको पेंट करने में आसानी रहेगी। देखिए, इसकी मजबूती बढ़ गई है। अब मैं इसको रियलिस्टिक टच देने के लिए ब्राउन कलर कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप एक्रेलिक या वाटर बेस्ड कलर, कुछ भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक कोट लगाएं तो उसको थोड़ी देर के लिए हवा में सूखने के लिए रख दें। उसके बाद आप इस पर दूसरा कोट अप्लाई करें और उसको हवा में सूखने दें। देखिए, ये सूख के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम मोटी सुई की हेल्प से इसमें छेद करेंगे। छेद हम दोनों साइड रिम्स पे करेंगे और उसका गैप 1-1 इंच के गैप के बाद हमें छेद करना है। छेद इतना मोटा हो कि इसमें से धागा आर पार हो जाए। 1-1 इंच के गैप के बाद पूरे रिम पे हमें इसमें छेद कर देने हैं। इसके सेम पैरेलल साइड भी हमें छेद करने हैं। अब हमने एक सुई में धागा डाल लिया है। धागा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और धागे को हमें थोड़ा सा तिरछा लेके जाना है, और एक छोर पे हम थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे। उससे हमें गांठ बांधने में आसानी रहेगी। आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए जैसा कि आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं। थोड़ा सा तिरछा हमें धागा डालना है दूसरी साइड से। हमें एकदम से क्रिस क्रॉस इस पर बनाना है। जैसे मैंने एक बनाया है, उसी तरीके से आप चारों साइड में इसमें बना लें। देखिए, इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। अब हम जो धागा हमने छोड़ा था वहाँ पर हम गांठ बांध लेंगे और इसको हम फेविकॉल की हेल्प से चिपका लेंगे। देखिए, ये हमारा डमरू हाफ बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें दूसरा काम इस पर शुरू करना है। उसके लिए मैंने एक ड्राइंग शीट ले ली है और डमरू को उस पर रख कर 2 सर्किल मैंने काट लिए हैं। हमको यहाँ पर 2 सर्किल की ज़रूरत पड़ेगी, और आप किसी भी पेन या पेंसिल की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद ये सर्किल्स हमको कट कर लेने हैं। थोड़ा सा फाइन कट ही रखें जिससे कि ये शेप बिल्कुल गोल रहे। और उसके बाद हमें एक ब्लैक शीट की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो ये मोटी पतली कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने फेविकॉल की बोतल रख के 2 सर्किल काट लिए हैं। आप चाहें तो पेंट की बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी हमें थोड़ा फाइन गोल कट करना है। उसके बाद फेविकॉल की हेल्प से हमें ये दोनों ब्लैक सर्किल्स, वाइट जो सर्किल्स हमने कट किए थे उसके ऊपर चिपका देने हैं। ये हमें सेंटर में ही चिपकाने हैं। देखिए, ये आसानी से चिपक गए हैं। अब हमको ये दोनों सर्कल्स जो हमने काट के चिपकाए हैं अपने डमरू के बेस पर चिपकाने हैं। इस तरह हमारे डमरू का टॉप और बेस बन जाएगा। ये वो पार्ट है जिस पे कि हम ताल बजाते हैं। और देखिए, इस तरह हमारा डमरू आधा तो रेडी हो चुका है। अब हमें बस सेंटर में एक मोटा धागा बांधना है। ये वही धागा है जिससे हमने क्रिस क्रॉस बनाया था। इसको हम 8-10 बार लपेट देंगे और उसके बाद हम इसको फेविकॉल की हेल्प से चिपका देंगे। अब आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ के बीड्स लेके, जो भी घर में अवेलेबल हों, उसे धागे में डाल के डमरू के सेंटर में डाल सकते हैं। और इस तरह से हमारा डमरू एकदम बनके रेडी हो गया है, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए अब अपने दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब हमें ढोलक बनानी है। ढोलक बनाने के लिए भी हमें 2 पेपर कप्स या थर्माकोल वाले कप की ज़रूरत पड़ेगी, और इस बार हमें इसे खुली साइड से जोड़ना है, यानी जिस साइड से हम पानी पीते हैं उस साइड से हमें इसको चिपकाना है, तभी इसका ढोलक वाला लुक आएगा। आप इसे फेविकॉल से चिपका लें, और सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हमें अब की बार भी इसको एक मास्किंग टेप से चिपका देना है। इससे इसकी मजबूती बढ़ जाएगी और कलर करने में आसानी रहेगी। मैंने इसको भी ब्राउन कलर से ही पेंट कर लिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन कलर करने पर रियलिस्टिक लुक ज़्यादा आएगा। एक कोट करने के बाद आप सुखा लें, फिर दूसरा कोट करें और उसे भी सुखा लें।
अब हमें सेम इस पर भी मोटी सुई की हेल्प से इसके रिम्स पर छेद करना है और एक एक इंच के बाद ही छेद करना है। उसके बाद सेम मोटा धागा लेके क्रिस क्रॉस बना लेने हैं और सफ़ेद और काले रंग के सर्कल काट के चिपका लेना है, जैसे हम पहले कर चुके हैं। सेम वही मेथड हमको इस पर अपनाना है। उसके बाद हमें इसे टॉप और बेस दोनों पे चिपका लेना है। ये काम हम पहले वाले प्रोजेक्ट में भी कर चुके हैं। तो देखिए, हमारी ढोलक बनकर लगभग रेडी है, लेकिन अभी ये काम बाकी है। हमें इस पर वही सफ़ेद मोटे वाला धागा ढोलक के टॉप और बेस पर चिपकाना है, जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। आप उस धागे को कम से कम 6 से 7 बार ज़रूर लपेटें और लास्ट में फेविकोल से चिपकाना ना भूलें। उससे ये धागा बार बार निकलेगा नहीं और ये चिपका रहेगा। और इस तरह हमारी ढोलक बनकर बिल्कुल रेडी है और ये देखने में एकदम सुंदर और रियलिस्टिक लग रही है। ये ढोलक और डमरू कोई भी बच्चा बना सकता है। आप बस उनको बताएं और ये वीडियो दिखाएं और ये दोनों ही चीज़ें मिनटों में बनकर रेडी हो जाएंगी। इसके लिए हमें बाहर से बहुत ज़्यादा महंगा सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रखे हुए कुछ पेपर कप्स और कुछ घर पर रखे हुए मटेरियल के साथ आपकी ढोलक बनकर रेडी हो जाएंगी और ये देखने में बहुत ही रियलिस्टिक लुक देती हैं। तो आप इनको बनाएं और कुछ भी अगर परेशानी आप फेस करते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये मेरा DIYs अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फ्यूचर में ऐसे DIYs आपके सामने लाती रहूँगी। तो आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फ्रेंड्स।